हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स ऑफ इंडिया 2.2 में मेरा नाम कमलेश कुमार आप लोगों के चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए दोस्तों, ये थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर ऑलरेडी हिस्ट्री का यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में समझिए इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री था, और ये थर्ड लेक्चर हम लोग जानेंगे पूर्ववर्ती मुगल सम्राट का नाम क्रम में याद कैसे रखे, और उनका मकबरा कैसे याद रखे, उनका शासनकाल कब था, वे कब शासन किए थे, कहाँ उनका मकबरा था, ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनका मकबरा कहाँ था, शासनकाल कब था, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है चार गो सम्राट का नाम दे देगा और बताएगा इसे क्रम में सजाइए, तो वो चिंता आप लोग के लिए सदा दूर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं उनका क्रम में नाम कैसे याद रखे। जैसे देखिए, बाहों में आजा शाहजहां अब, शाहजहां अब, यानी बाहों में आजा शाहजहां अब, बाहों में किनको बुलाना है, शाहजहां को। और उनका मकबरा याद रखने का कैसे ट्रिक है, 80 का बाबर, इस जहां में आकर औरंगजेब को औरंगाबाद में जलाकर हद कर दी। चलिए आइए हम देखते हैं उनका शासनकाल कब था, उनका मकबरा कहाँ था, वो मतलब मकबरा कहाँ था, शासनकाल कहाँ था, ये सब हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बाबर, इनका 1526 से 1530 तक शासनकाल था, मकबरा काबुल में था। उनके बाद सेकंड नंबर हुमायूं, इनका शासनकाल 1530 से 1556, और ये मकबरा इनका दिल्ली में था। तीसरे नंबर अकबर, इनका 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, इनका अकबर का था सिकंदरा। चौथा में है जहांगीर, इनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था, इनका मकबरा लाहौर था। पांचवा में है शाहजहां, इनका 1627 ईस्वी से 1657, कहीं 58 भी होता है इसलिए मैं दोनों लिख दिया, और इनका मकबरा आगरा में था। और लास्ट है आपका औरंगजेब, इनका है 1658 से 1707 ईस्वी, और इनका औरंगाबाद में था। चलिए मैं इनका शासक, शासनकाल और मकबरा जान लिए। चलिए अब हम शासक, इनका नाम कैसे हम लोग क्रम में याद रखें, आइए देखते हैं। बाहों में आजा शाहजहां अब, बाहों में आजा शाहजहां अब, ब से बाबर, ह से हुमायूं, आ से मतलब अ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां, और अ से औरंगजेब। यानी ये ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे एग्जाम में दे देता है, दे देगा हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, सजाइए, तो सबसे पहले हुमायूं आते हैं, उनके बाद अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह आपको सजाना है। जब आपको ये ट्रिक याद रहेगा, बाहों में आजा शाहजहां अब, तब आपको आसानी से वो याद हो जाएगा इस टॉपिक मतलब सजाने के लिए। आइए अब तब तक हम अगले वीडियो में जानेंगे ये ट्रिक, जिससे मकबरा याद रखने का ट्रिक कैसे याद रखे। इनका ट्रिक है 80 का बाबर, इस जहां में आकर औरंगजेब को औरंगाबाद में जलाकर हद कर दी। चलिए दोस्तों, एक आप लोगों को फन फैक्ट सुनाता हूँ। फन फैक्ट, पहले फन फैक्ट, मैं पिछले वीडियो में एक फन फैक्ट बताया था कि सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की संख्या किस देश में है, तो उस फन फैक्ट का आप लोग जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो मुझे इसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसका फन फैक्ट का आप उत्तर दीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं नया फन फैक्ट आप लोगों को सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल और अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।